समाज का प्रेरणा पाथे, नव चेतना का अंकुरण, यानी कि हमारे भीतर जो चेतना है उसको जगाना है। कई लोगों की चेतना सुषुप्त होती है, जो जीवात्मा होते हैं उनकी चेतना सुषुप्त अवस्था के अंदर होती है, और वो तो मात्र जो ऑटो मोड है, पिछले जन्म से जो भाव डाले थे, कॉजल बॉडी क्रिएट की थी, उससे जो है उनके जो द्रव्य कर्म बने हैं उनका जो कि उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसको ही जीते हैं, उसको ही जीवन का सार मानते हैं। वो लोग रियल पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए हमें नव चेतना का जागरण करना है, यानी भीतर जो सुषुप्त चेतना उसको जगाना है। तो सुषुप्त चेतना हम कैसे जगाएं? सुषुप्त चेतना जगाने के लिए हमको जो है किसी ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होगी, और किसी जो है वो हमारे सद्गुरु की आवश्यकता होगी। वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव के अंदर हमें सच्चा ज्ञान देने वाला, सम्यक दर्शन देने वाला कौन गुरु हो सकता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने तलाशा, तब उनको रामकृष्ण परमहंस जो है सच्चे जो है गुरु के रूप में मिले, और रामकृष्ण परमहंस को सच्चे जो है वो शिष्य के रूप के अंदर स्वामी विवेकानंद मिले। तो नव चेतना का अंकुरण करने के लिए, और उसमें हमारा भाग्योदय चाहिए, पुण्योदय चाहिए, हमारे को तलाश करनी पड़ेगी, सद्गुरु उसकी कृपा हासिल करनी पड़ेगी। उसकी कृपा करने से हमको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से हमारी नव चेतना का जागरण अंकुरण हो जाएगा।